सो हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशंस। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ़ोटो एडिटिंग की। तो जैसा कि अभी चलन में है, आप अपनी फ़ोटोज़ को कार्टून की तरह चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स आपकी जो फ़ोटो होगी ऐसी लगेगी कि पेंट की हुई है। इसी तरह के अलग अलग जो इफ़ेक्ट है वो आप अपने फ़ोटोज़ में कैसे लगाएंगे, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे मैंने अपनी कई सारी फ़ोटोज़ को यहाँ पे एडिट किया है। और इसे एडिट करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस आपको 5 मिनट का समय लगेगा। और आपकी फ़ोटो जो है आप जैसा चाहेंगे, जितनी भी यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ डिज़ाइन या फिर जितने भी इफ़ेक्ट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, वैसे आप अपनी फ़ोटो को चेंज कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है टून मी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, वीडियो में लास्ट में मैं बता दूंगी कि कैसे आप इंस्टॉल करेंगे। तो इस टून मी एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं ऐसा दिखता है, इसे ओपन कर लेना है सिंपली। जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारे पिक आप, मुझे बर्गर और फ्राइज खाना बहुत पसंद है, देन वो वेट गेन से परेशान। आप देख सकते हैं यहाँ पे GIF भी बना हुआ है, तो वो भी आप कर पाएंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, टॉप और ट्रेंडिंग, तो दोनों आप चेक कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे सेट करना है वो मैं बता देती हूँ। तो ये हमने यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया, आपकी जितनी भी फ़ोटोज़ होंगी वो सारी की सारी नीचे शो होने लगेंगी। ये देखिए मैंने अभी तुरंत ही इतनी सारी जो एडिटिंग यहाँ से की हुई थी वीडियो को बनाने के लिए। अब ऊपर में आपको यहाँ पे ऑल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे फेसेस का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपके फेसेस दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे सेलेब्स का ऑप्शन मिलता है, मतलब अगर आप चाहते हैं किसी सेलिब्रिटी का मैं कर दूँ तो वो आप कर सकते हैं। रिसेंट में आप जितने भी फ़ोटोज़ इस्तेमाल करेंगे वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ से फ़ोटो पसंद नहीं आ रही है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, ये जो एक ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके आप फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिखा देगा कि आपकी फ़ोटो जो थी वो पहले ऐसी थी और एडिट के बाद ये ऐसी हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पसंद की एक फ़ोटो जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं एक फ़ोटो यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये वाली फ़ोटो मैंने चूज़ की। अब यहाँ पे आपको नीचे में कुछ एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब आपका जो फ़ोटो है कितना बड़ा आपको चाहिए, कौन से साइज में चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। आप फ्लिप भी कर सकते हैं अपनी फ़ोटो को इस तरह से, तो ये सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें सेट करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली ये जो ग्रीन का एरो बटन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऐड दिखेगा, फिर ऐड को आपको क्रॉस करना है, उसके बाद आगे बताती हूँ। चलिए ग्रीन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐड दिखाई दे रहा है क्योंकि ये फ्री वर्जन है, अगर आपने प्रो वर्जन लिया होगा तो ऐड नहीं दिखाएगा। सिंपली क्रॉस यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और आपकी जो फ़ोटो है वो यहाँ पे आ चुकी है। आपने देखा यहाँ पे 5 मिनट तो मैंने ज़्यादा बोल दिया था, यहाँ पे तो कुछ ही सेकंड लगते हैं। इस तरह से आप अपनी फ़ोटो को सेट कर सकते हैं। उससे पहले इसको आपको सेव करना है, तो सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंड का बटन होता है वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको एक सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो कभी कभी यहाँ पे ऐड दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है, जब भी आप सेव करना चाहेंगे तो लेट्स सी। यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है वहाँ पे डाउनलोड करके आप इसे सेव कर पाएंगे। यहाँ पे आपको और भी सोशल मीडिया मिल जाते हैं, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर अगर शेयर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मुझे फ़िलहाल इसे सेव करना है तो डाउनलोड पर क्लिक करूँगी और आप देख सकते हैं ये ऐड दिख रहा है। सिंपली क्या करना है, क्रॉस पर आपको क्लिक कर देना है और ऊपर में ग्रीन कलर से लिखा हुआ है इमेज सेव्ड, मतलब मेरी जो इमेज है वो सेव हो चुकी है। अब आपको और भी एडिटिंग करनी है तो बैक यहाँ से चले जाइए, ओके, और फिर से आपको जो करिए फ्लिक्स का आप कर लीजिए। तो बस यही थी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए, ऑल पर सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। Do you remember how you held me then?
you got me reaching out. Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. Do you see you got me falling in? More times than I can get out.